सूर्य कुमार यादव, वो नाम जो आज पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ चुका है। हर कोई इस बंदे की बैटिंग का कायल हो चुका है और T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेले हैं, हर कोई उनकी बैटिंग को देखकर हैरान है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ग्राउंड के हर हिस्से में रन बनाते हैं और जिस तरह से सूर्य कुमार सिक्सर लगाते हैं, उसे देखकर हर किसी की जुबान पर एक ही बात होती है कि ऐसा सिक्सर कौन मार सकता है और वो भी इतनी आसानी से। और पाकिस्तान के लोग तो सूर्य कुमार यादव के दीवाने हो चुके हैं, वो सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 2010 में रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी टीम के लिए चुन लिया था और मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद KKR ने सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम के लिए खरीद लिया था। KKR के लिए भी सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग की और इतने सालों बाद 2021 में सूर्य कुमार यादव को 71 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला और अब 2022 में T20 वर्ल्ड कप के अंदर सूर्य कुमार यादव जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, सूर्य कुमार की आग की जलन पूरी दुनिया को महसूस हो रही है। आप कमेंट्स करके बताएं आपको सूर्य कुमार यादव कैसे लगते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आप बोल रहे हो कि केएल भाई को नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, आई मीन सी एवरीवन, वो भी एक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं एंड ही ऑल्सो नीड सम टाइम, तो एंड वी हैव सम टाइम राइट नाउ। बट मैंने तो जैसे कहा कि आई एम रियली फ्लेक्सिबल टू बैट एट एनी नंबर, जो जहाँ पे लोग बोलेंगे, मैंने कोच कैप्टन सबको बोल के रखे कि आप कोई भी नंबर पे खिला दो, बस खिलाओ मुझे। तो आई एम रियली फ्लेक्सिबल एंड थिंग्स विल गो ऑन एज बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर ऑल्सो ट्राइंग और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे हैं करने के लिए, वो मैं प्रैक्टिस से अच्छा मैच में ही करे तो बेटर है, यू विल गेट अ बेटर आइडिया, सो विल सी हाउ इट गोज। ये तो सर टीम मैनेजमेंट का कॉल है, मैं तो ना कैप्टन हूँ ना वाइस कैप्टन हूँ, ये तो आप उनसे पूछिए। बट अच्छा लगा ऋषभ को देख के प्लेइंग 11 में, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल गुड। ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था, बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना, और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मज़ा है। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले, तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते, इतना एक्सपीरियंस है उनका, मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच ख़त्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था, हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये दो बॉल में अगले दो बॉल में, तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिए, बट बहुत मज़ा आया अंदर।